दोस्तों, कोई भी माँ बाप बेटी की पैदाइश से नहीं डरते। अगर वो डरते हैं तो बस बेटी की नसीब से। जी हाँ दोस्तों, मैं उस नसीब की बात कर रही हूँ जिसको लिखने वाले लड़के के माता पिता होते हैं, जिससे उनकी बेटी की शादी होने वाली होती है। आजकल माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता, लड़के वालों की मांग और उसके बाद बेटी के साथ होने वाले व्यवहार से बेटी के माँ बाप का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। समाज में रूढ़िवादी सोच और दहेज प्रथा के चलते कितनी बेटियाँ आज अपने ही घर में कैदी बनी हैं। जी, मैं सपना आज आप सभी के साथ इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। डाउरी, अबून और अकर्स, यानी दहेज एक वरदान या श्राप। सुनीता जी, डाउरी यानी दहेज प्रथा क्या है और इसका चलन कहाँ से शुरू हुआ? डेफिनेटली यदि हम समाज की बात करें तो समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है रिप्रोडक्शन जी, है ना, आगे उत्पत्ति होना। प्रकृति की भी एक बाध्यता है उत्पत्ति जी, और इंसान की भी बाध्यता है उत्पत्ति जी। और ये हम जब समाज को बनाते हैं, समाज में हम कुछ नियम तय करते हैं और समाज की कुछ हम जिम्मेदारियां फिक्स करते हैं, तो समाज में जब हम कोई नियम बनाते हैं समाज में, हम उनकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। जब हमारे समाज में दो बच्चे युवा होते हैं, उनको डेफिनेटली जिस प्रकार से हम सब अपने अपने घर बसाए हैं, सब रह रहे हैं, तो समाज एक जिम्मेदारी लेता है कि उन दो युवाओं को भी एक छत के नीचे रहने की सुविधा देना, सम्मानजनक जिंदगी देना, और उनके बीच में जो भी शारीरिक और जो भी संबंध है जिसके कारण से आगे बच्चों की उत्पत्ति होगी, उस प्रक्रिया को भी एक सामाजिक सम्मान देना जी, जी। तो उसी के चलन में फिर हमारे यहाँ विवाह की व्यवस्था है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, जो स्वीकार्य है और सम्मानजनक है, जिसमें समाज खुद भी रोल प्ले करता है। तो जब दो युवा हो जाते हैं तो हम जब वो इस क्षमता से होते हैं कि वो अपना घर बसा सके, तो समाज उनकी जिम्मेदारी लेता है, हम उनकी शादी करते हैं। और जब किसी ने नया घर बनाना, दो बच्चे हैं, दो युवा हैं, उनको नया घर बनाना है जी, जी। नई जिंदगी जीनी है, तो जो एस्टेब्लिश्ड घर हैं और नए घर में, तो उनको बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी ना जी, जी, तो उनको बर्तन भी चाहिए होंगे, उनको गैस भी चाहिए होगा या चूल्हा भी चाहिए है, उनको सोने के लिए भी चाहिए, उसको छत भी चाहिए, दीवार भी चाहिए, ताकि ये जो दो युवा हैं वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से अपनी घर गृहस्थी शुरू कर दें, जिसमें समाज उनको कॉन्ट्रीब्यूट करता। तो समाज में जब हम विवाह का जो हम आयोजन करते हैं तो उसमें समाज पूरा भागीदारी लेता है, गाँव भी भागीदारी करता और ये उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। और फिर सब हम उनको जितनी जितनी जिसकी भी श्रद्धा अनुसार, चाहे वो कोई बर्तन से उनकी मदद करना, ये दहेज जिसका नाम पड़ गया, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि हम एक नव दंपत्ति को संरक्षण देते हैं, एक नव दंपत्ति की मदद करते हैं कि वो अपने घर को बसा ले। ये एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य था कि जिससे हम शादी के रूप में और फिर बहुत सारे सहायता के रूप में हमने उसको बनाया जी, जी। धीरे 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 ये जो सामाजिक रूप था जिसमें पूरे समाज को भागीदारी करनी है और समाज ने ही सब उनका जिम्मेदारी लेनी है, उनको घर बसाना है, इवन उनकी काउंसलिंग भी करनी है, उनको लंबे समय तक एक जीवन साथी के साथ रहने के लिए प्रेरित भी करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां समाज की होती। लेकिन धीरे धीरे ये जो है सामाजिक न रहकर व्यक्तिगत होता चला गया, ठीक है। और धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि जिसका बच्चा है उसकी जिम्मेदारी है, जिसकी बेटी है उसकी जिम्मेदारी है जी। जिसका बेटा है उसकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये है कि अब उसका रूप इतना बदला कि चूंकि हमारा यह मातृ सत्तात्मक समाज तो नहीं है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था रही जिसमें पुरुष की वर्चस्वता तो बनी रही जी। तो लड़की जिसको माँ बाप को, इवन कि हमारे ग्रंथों में, हमारे जो वेदों में, हमारे पुराणों में या हमारी जो सोच है उसमें है कि बेटी जो है किसी को दान करना वो बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है ना जी। जो बेटी हम दान करते हैं, विवाह जो है वो बेटी को दान करने से है ना, कि हम एक पुरुष को अपनी बेटी को दान करते हैं ताकि मेरी बेटी उसके साथ रहे और जो उत्पत्ति है उसमें वो अपनी भागीदारी दिखाए, है ना। तो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बड़े सम्मानजनक एक एक्टिविटी के रूप में देखा जाता जी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बेटी वाला है जो उसी पे हो गया कि अगर आपको अपनी बेटी को बसाना है तो ये उसको घर बसाने की भी सारी जिम्मेदारी आपकी है जी, जी, जी। आपको सारी चीजें, उसको जो भी सहायता देनी है वो आपको ही देनी है ना। और धीरे धीरे जब आप देखो, अगर किसी ने पहले तो दो लोग मिलकर के परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना घर बसाएंगे, एक तरीका तो है ये जी। दूसरा तरीका ये है कि सारा समाज उनकी मदद कर दे और उनको बेसिक नीड्स उनकी पूरी कर दे ताकि वो आगे राइज कर ले जी, ठीक है। अब तीसरी व्यवस्था ये हो गई कि ना तो उसमें वो खुद भी कर पा रहे हैं, दूसरा सामाजिक बहुत बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है, तीसरी जिम्मेदारी ये है कि भाई आप ही, माँ बाप ही उनके लिए सारा कुछ करके दे दे और फिर ताकि फिर वो अपनी गृहस्थी
शुरू कर लें। अब तीसरे वाले केस में ये होता है कि जो लड़का है ना, क्योंकि हमारा जैसा समाज है, तो लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी पे डाल दिया गया जी, कि लड़की के माँ बाप जो है वो सारी चीजें जिम्मेदारी दें और अपनी लड़की भी दें, और साथ के साथ में वो सारा तामझाम जो शादी विवाह में रिश्तेदारों को बुलाने का और मेहमानों को बुलाने का, समाज को बताने का कि ये हमने इनके साथ ये रिश्ता जोड़ा है जी। उनको खिलाने पिलाने का खर्च भी वो माँ बाप वहन करें, साथ ही वो दहेज के रूप में, जो सहायता के रूप में माँ बाप ही लड़की की सहायता करें। जब तक स्वैच्छिक चल रहा था तो ठीक चल रहा था, लेकिन मान लो अगर किसी ने आराम से मेहनत करके घर बसाया, उसको तो 10 साल लग रहे हैं गाड़ी लेने में जी, किसी ने एक ही झटके में गाड़ी मिली जी, ठीक है, अब उसको मोटिवेशन लेवल क्या हो गया, ये तो बड़ा आसान है कि आप तो लड़की वालों से मांगो, लड़की देंगे तो शादी भी करेंगे। अब 10-15 साल में इतना कमा करके एक घर ठीक ठाक सा उसके जुगाड़ बनेगा घर का, तो एक ही वन क्लिक में, वन गो में उसको मिल सकता है। तो जो लालच जो है ना व्यक्ति का अंदर से बढ़ा और ये फोर्सिबली होने लग गया कि भाई अब लड़की वाले हैं तो उनसे, बहुत सारी हमारे समाज के अंदर भी बहुत छोटे छोटे समाज होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल ही ऐसी हुई कि आप पहले ही मोल भाव तय कर ले कि भाई इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो वो मांगो, डिमांड एंड सप्लाई, वो व्यापार बन गया, विवाह एक धीरे धीरे एक व्यापार का रूप ले गया और आज तो ये बिल्कुल ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जी जी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सामाजिक जिम्मेदारी धीरे धीरे कुरीति में बदल गई जब हमने फोर्सिबली किसी को तंग करना शुरू किया, फोर्सिबली हमने उसको आर्थिक बोझ तले डाल दिया, कर्जों तले डाल दिया, और फिर कई जगह पर जहां लड़की अपने घर से इतनी चीजें सक्षम नहीं थी, वो नहीं ला पाई, तो बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने दोबारा शादी करके दोबारा दहेज लाने के चक्कर में कि दोबारा हम शादी करेंगे तो अच्छे घर में करेंगे और आर्थिक स्थिति जिस परिवार की अच्छी हो तो लड़की बहुत दहेज लाएगी, तो बहुत सारी लड़कियों को मौत के घाट भी उतारा और बहुत सारी लड़कियों ने या तो सुसाइड किया, बहुत सारी लड़कियां जल करके मरी। आप एक दौर ऐसा आया था कि आपके सारे अस्पताल जली हुई महिलाओं से, जली हुई लड़कियों से भरे हुए थे। एक दौर दहेज का, जो कुरीति का जो सबसे जघन्य रूप, सबसे बुरी बात जो है, वो एक दौर वो भी आया जिसने सारे समाज के को कटघरे में खड़ा किया। कानून ने इस दिशा में देखा, पुलिस ने इस दिशा में देखा, समाज ने सोचा और कानूनों में बहुत बदलाव और सख्ताई होने लगी, है ना जी, जी। तो एक वो अच्छी चीज का घिनौना रूप बन गया जब उसमें लालच शामिल हो गया जी। सुनीता जी, आपने जैसे अभी बात करी कि जैसे लड़के वालों के माता पिता लड़की वालों के माता पिता पे जोर डालने लगे और उन्हें तंग करने लगे या रिश्ता टूट जाने की धमकी भी देने लगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये किस हद तक सही है? होता क्या है कि जब हम अपनी बेटी की शादी, कोई भी माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, क्योंकि बेटियां जो हैं, हमने बेटियों की परवरिश एक डिपेंडेंट इंसान के रूप में की, उनको हमने सेल्फ डिपेंडेंट ना कभी बनाया, ना हमने सोचा, ना हमने उनको कोई सपना दिखाया कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होकर के जी लेगी। हमने उसकी परवरिश ऐसी की कि तुम्हें कोई सक्षम आदमी मिलेगा जिसके साथ तुमको आराम से रहे, वन एक सोच तो यही बनाई रखी, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी ऐसे सक्षम इंसान के साथ ब्याही जाए, आर्थिक रूप से संपन्न हो, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये अच्छे से जिंदगी बिताए। जब हम उसके लिए चॉइस ऐसी कर रहे हैं, अब चॉइस में बहुत अच्छा लड़का उसको मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन अब वो उसको हैसियत को मैच करने के लिए होने लगा जी, जी, जी। कि अब हमें इस अच्छे लड़के से जो एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से भी संपन्न है, तो ये तो संभव है ना कि समाज में सब लोग तो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकते, जी, जी, जी। आपको क्या करना है, आपको ज्यादा अपनी बेटी को सुरक्षित देखना है, तो आपने सशक्त से शादी करनी है जी, जी, अब जब सशक्त से आप शादी करने चले हो तो फिर सशक्त की भी डिमांड आ रही है जी, जी, कि इतना सब आप करेंगे तो फिर मैं उसको, हम इसको ले लेंगे, है ना जी, जी, जी। बहुत सारे मैं अब आप बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड और बहुत ज्यादा सफल अगर लड़कों को हम देख लें, उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे सफल लड़के इतने होंगे जिन्होंने अपनी इच्छा से शादी की होगी? मैं तो 2% से ज्यादा नहीं मानती, लेकिन जो 98% है उनका तो अच्छे तरीके से ये पूरा हिसाब किताब लगाया होगा कि अब शादी करेंगे तो ये लड़के को कितनी फाइनेंशियल सुरक्षा दे सकता है ना, जी, जी, जी। कितना आर्थिक रूप से हमारा बच्चा भी सफल है और एक सफल और आर्थिक संपन्न परिवार में शादी कर दें तो वो और भी जीवन उसका आसान हो जाएगा जी। तो जब हम मोल भाव देख रहे हैं, है ना, तो हम उसको उस एंगल से देख रहे हैं, तो उसके बीच में दहेज की तो फिर बनती है ना जी, दहेज जी। की स्कोप तो निकल आया
और हमने निकाल दिया। जी जी जी। तो इस तरीके से वो मांगा भी जाता है। और बहुत सारा है कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंड करो, आप अगर आप इस घर में रिश्ता मांगने गए हो तो आप पहले दिमाग में तय करके चलो कि आप इतना सब तो आपको देना पड़ेगा, तभी आप उसके दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए। तो ये चीजें अब तो वो हो गई हैं कि अपने आप समझ लो भाई, ऑब्वियस वाली चीज हो गई। इट्स ऑब्वियस कि आपने ऐसे ऐसे सोच लिया, आप उस घर में रिश्ता मांगने चले गए, आपने पीछे अपनी आर्थिक स्थिति देखी इसका। अगर आप तो फिर इतना पहले सोच के आए होंगे कि इतना देंगे, है ना, क्योंकि ये लड़के वालों ने खुद ही तय कर रखा हमारा लड़का सफल है तो इतना तो अब उसके लिए बनता है, इतनी मार्केट वैल्यू तो उसकी होगी। अब लड़का जो है मार्केट वैल्यू पे तुला हुआ है, तोल रहे हैं उसको। जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि लड़के की जो मांग है वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करती है, कि मतलब लड़का कितना, जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी बड़ी रूप से वो कितना सफल है, कितना सशक्त है और कितना मतलब सुरक्षित है। जी जी जी। सुनीता जी, जैसा कि आजकल हम हर दूसरे घर में ये देखते आए हैं कि शादी के बाद लड़की के ससुराल वालों ससुराल वाले उसके माता पिता से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, और अगर ना दें तो मारने पीटने लगते हैं और घर से निकाल देते हैं, धमकी भी देने लगते हैं कि शादी नहीं दोगे तो हम शादी तोड़ देंगे। आपका इस पे क्या कहना है? इसका मुझे ये कहना है, इसमें दो चीजें हैं। वन इज़ कि दो तरीके से शादी तय होती है। एक होती है कि जब हम किसी से बात कर लेते हैं कि आपको हमारा लड़के की ये हैसियत है और आपको हमें ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये गाड़ी में पूरी लिस्ट उसको बता दी जाए कि आपको ये सब चीजें देना है। जी। तो उस केस में क्या होता है कि वो मांगी हुई चीजें लोग देते हैं, ठीक है। कुछ प्रदेश में ऐसी प्रथाएं हैं जहाँ पर पहले ही लिस्टें आ जाती है ना, तो वो उनको दे देते हैं, उनका सब ठीक ठाक चल रहा होता है। दूसरी स्थिति होती है कि जब हमने किसी से मांगा नहीं, ना लिस्ट पकड़ाई, सिर्फ अंडरस्टूड कर लिया कितना तो देंगे, उन्होंने मन में सोच लिया कितना सब तो आने वाला है, और यदि वो लड़की वो नहीं लेकर आती है, ठीक है, क्योंकि अंदर से तो वो भावना थी ना लेके आने की भी हमें तो मिल ही जाएगा। जी, जी। हमें साड़ी जो है वो 5,000 वाली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 2,500 की वाली है, तो काम वाली को भी नहीं पहनाते ऐसी ऐसी, तो जी, जी। वो सारी चीजें उसके ताने शुरू हो जाएंगे ना। जी। ये जो जिस ब्रांड का ये कपड़े लेकर आए उस ब्रांड का तो हमारे नौकर नहीं पहनते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो होती हैं कि उसके सामने ही उसको दिखा करके उसके दहेज से या उसके परिवार से जो सामान आया नौकरों को देना या बाहर दे देना, है ना, कि ये तो मैं पहनती नहीं, मैं तो नौकरों को दे देती, तो वो सारी चीजें वो लड़की को तो हम ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं ना उस वक्त, ठीक है। तो वो जब फ्रस्ट्रेशन होती है किसी को कि मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रही थी, या तो हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, परिवार वाले लड़का फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो तो गाड़ी बड़ी एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो लग्जरी कार एक्सपेक्ट कर रहा था जबकि कम आई है, वो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालना क्योंकि उसने तो इमेजिन कर लिया। जी जी, है ना, कि मुझे तो आसानी से कार मिलनी थी, वो भी मेरे को ये वाली दे दी। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने अपने आप इमेजिन कर ली और फिर उसके बारे में उनको कहा भी नहीं, अंडरस्टूड है। अब अंडरस्टूड चीजों में कहां सफल होना था, लड़की वालों ने ये सोचा कि भाई चलो इन्होंने नहीं मांगा है तो अच्छे लोग हैं हम, जितनी हैसियत है हम उतने स्वीकार हमको करने वाले। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो चेहरे पर जो उन्होंने स्वीकार किया है या दिखाया गया है वो वास्तव में उनकी स्वीकार्यता उतनी है। जी, जहाँ आप बोल रहे हो ना कि टॉर्चर होता है, लड़की को मारा पीटा जाता है, जो भड़ास है, जो उसको फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, या उनका सपना जहाँ पे चूक गए वो लोग, तो वो मन कहीं ना कहीं तो बुराई है ना, मन की जितनी गलत प्रवृत्ति है ना, तो वो सारा का सारा किस पे उतारा, वो लड़की पे ना, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं। सिर्फ अगर आप हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, अगर किसी को आप मेंटली टॉर्चर करते हैं, अवहेलना करते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं, वो भी बहुत बड़ा जुर्म होता है ना। आप उसको सोचो कि ये तो हमारे साथ बैठने लायक भी नहीं है, या इनके पेरेंट्स हैं वो हमारे स्टेटस में बैठने लायक नहीं, या इस लड़की के बहन भाई आते हैं वो इतनी घटिया घटिया चीजें लाते हैं, वो सब चीजें आप उनको एहसास कराते हो लड़की को, वो बजाय कि एक नए परिवार में जहाँ उसको बहुत ज्यादा प्यार और लाड की जरूरत होती है, वहाँ पर वो उसको हीन बना देती है। और उस लड़की का जो हम जो मानसिक स्तर है, मानसिक जो उसका संतुलन है और जो उसकी मानसिक रूप से जितनी वो कॉन्फिडेंस उसका होना चाहिए, हम उसको 100% उसका कॉन्फिडेंस तो गिरा देते हैं। जी जी। और ये होता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, ये आम घरों की कहानी और ये होता है। जी जी जी। सुनीता जी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी। जी। तो उसके माता पिता ने उसे देने के लिए बेड, टीवी, फ्रिज, एसी, यहाँ तक कि कुर्सी, मेज और ना जाने क्या क्या चीजें खरीदी। मैंने ये देखकर उनके माता पिता से पूछा कि आप इतना कुछ क्यों दे रहे हो, ऊपर से 500 बरातियों का खाना पीना भी, रहना भी, आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, मतलब आप लोग ने जैसे मुझे सिचुएशन बताई थी। तो उनकी बात सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान ही रह गई। उन्होंने बोला कि हमने लोन ले लिया है बैंक से और कुछ पैसे भी उधार ले लिए हैं ताकि हम अपनी बेटी को ये सब गिफ्ट कर सकें। तो ये गिफ्ट उसकी बेटी को सच में ये सब चाहिए था, या उन्होंने मतलब कुछ ऐसे लड़के के घर वालों से डर के या बेटी की खुशी के लिए दिया कि मतलब अगर हम नहीं देंगे
जाएंगे तो बेटे के ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसे ऐसी सिचुएशन भी रहती है बेटियों के लिए। ज्यादातर समाज में लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी बेटी कम हम दिखाएंगे और कम बेटी को हम नहीं देंगे तो वो बेटी की हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी जी, बेटी को सम्मानजनक नजर से नहीं देखा जाएगा। मतलब ज्यादातर रिश्ते इक्वालिटी बराबरी के स्टेटस में इसलिए करते थे ताकि एक दूसरे से स्वीकार्यता वो बनी रहे रिश्तों की। फर्क है, स्टेटस में फर्क है, उनकी आर्थिक क्षमताओं में फर्क होता है। तो एक तो ये कि हर माँ बाप आज के दिन, तो हर माँ बाप चाहे उसके पास 2 रुपए ना हो, चाहे उसको कर्ज लेकर के शादी करनी पड़े, वो देगा जरूर। जबकि बहुत सारी केसेस हैं जब मैंने कहा है कि ये लोग नहीं मांग रहे हैं तो आपको देने की क्या जरूरत है, वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपए में लड़की ले जाएंगे, आपको क्यों जबरदस्ती कर्जा लेकर के देना है। बहुत सारे गरीब परिवार में उनको समझाती हूँ, वो कहते नहीं हमारी हमारे ही समाज में हमारे ही परिवार में रिश्तेदारों में ना कट जाएगी यदि हमने लड़की को 1 गोल्ड की नथनी दी या गोल्ड का एक कुछ चीज नहीं दी या चेन नहीं दी, टॉप्स दी, गरीब आदमी टॉप्स टूप्स देता छोटे मोटे है, कि अगर हम वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं, है ना। तो वो कर्जा लेगा सिर्फ कई बार लड़के की डिमांड की वजह से भी नहीं, कई बार अपने ही समाज को दिखाने के लिए, कि वो ये ना कहें कि ये तो बिल्कुल ही मतलब एक बड़ा अजीब सा शब्द वो प्रयोग करते हैं ऐसे, मतलब आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है कि ये तो किसी लायक नहीं थे कि वो इतना भी नहीं दे सके, अपने समाज को दिखाने के लिए भी दहेज देते हैं, है ना, वो सब खर्चा करते हैं, कर्जे लेकर के करते हैं। और ये कर्जा लेने की स्टेटस है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े सक्षम लोग हैं वो भी लेते हैं, उनको बड़ी चीजें करनी है तो बड़ा कर्जा लेते हैं, बड़े आयोजन करने हैं तो बड़ा कर्जा भी ले लेते हैं। वो एक इसको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट है हमारी बेटी पर इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ, अगर आप बेटी हैं कभी आप बेटी का मन पूछ के देखना, जिस बेटी को ये पता होता है ना कि माँ बाप ने मेरी सगाई के लिए या मेरे शादी के लिए इतना कर्ज उठाया हुआ, वो ससुराल में चाहे उसको वहां पर के लग्जरी कमरा मिला हुआ हो रहने के लिए, अगर उसको आलीशान वगैरह पकवान मिलते हो खाने के लिए, लेकिन लड़की का जो मन है ना, जब तक माँ बाप का कर्जा नहीं उतर जाता, एक कोना उसका उसमें तड़प के रहता है कि मेरी वजह से माँ बाप को इतना करना पड़ा, वो लड़की दुखी होती है उनकी, जिसके लिए उस इतना सारा वो सब चीजें कर रहे होते हैं। ये बताना चाहती हूँ आपकी कि लड़कियां भी चाहती हैं कि हमें दहेज जो है वो दिया जाए, कि लड़कियों की खुद की भी डिमांड होती है कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं क्यों अगले से मांगूंगी जाते ही, ठीक है, मैं अपनी अहंकार में रहूंगी, है ना। तो लड़कियां भी अपना डिमांड करती हैं कि मुझे वो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो मिले, बहुत जगह पर, और कई जगह पर तो लड़कियां आउट ऑफ दी कंट्रोल होकर के आउट ऑफ दी वे जाकर भी माँ बाप पर भी दबाव तनाव बना करके भी दहेज को हासिल करती हैं, ये भी होता है। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि एक हमारे जानने वाले हैं तो उनके मदर हैं, वो अभी जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वो इतनी मतलब नफासत से, इतने एजुकेटेड और इतने शानदार लोग, मैं कह सकती हूँ कि जीवन में उनका इतने सम्मानजनक लोग कि समाज ने उनका सम्मान ही किया, वो महिला अपनी बेटे की शादी में दहेज मांगती है कि मेरे को ये दहेज में ये चीजें जो है वो चाहिए। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि दिया आपने ऐसे क्या किया, आपकी तो खुद शादी जो है 1 रुपए में हुई हुई है, आपने ये दहेज क्यों मांगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने खुद ही ये डिमांड कर दिया कि आपको अपने बेटे के लिए ये चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि सुनीता मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुझे दहेज लेना है, या मेरी ऐसी हैसियत भी है कि मैं दहेज नहीं लेंगे तो हमारा चल जाएगा, लेकिन कहती मेरे पति ने जो सारी उम्र मुझे दहेज ना लाने का बात बात पर ताना दिया, खाते हुए ताना दिया, तू तो तेरे घर से यूं ही आई थी, ठीक है, तेरे को मैंने, कहती मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बहू है, ठीक है, अगर हम एक बिल्कुल भी दहेज ना लें और सारी उम्र उसको कोई इसी चीज का टॉर्चर करे कि देखा तेरे से थोड़ी कुछ लाए थे हम, तो सब कुछ तेरा यही था। कहती कि मुझे जो प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना मुझे सारी उम्र सिर्फ इसी चीज के लिए मैंने झेली कि तू अपने घर से कुछ नहीं लाई थी। तो वो एक साइकोलॉजिकल उसका इशू था। तो हालांकि ठीक है, बाद में उन्होंने भी अपना वो मन चेंज किया और कहा कि नहीं मुझे अब दहेज नहीं चाहिए, हमने भी समझाया, काउंसिल किया थोड़ा कि दी आप ऐसे मत करो, जरूरी नहीं होता कि आपका बेटा भी ऐसे आपके पति की तरह पहले का समय और आज में। तो कई बार जो है नहीं दहेज लेकर भी जाओ, है ना, और जो लोग नहीं दहेज लेते क्या हम उसको मन से स्वीकार करते हैं जी। अगर आप उसी को टॉर्चर कर रहे हो तो फिर दहेज लेना और ना लेकर आना एक ही बात रह गई ना। आपने सारी उम्र उसको हर जगह, वो कहती मेरी हर पब्लिक फंक्शन में फजीहत करते थे, गाड़ी में बैठ कर आए, कहते हाँ कौन सा अपने माँ बाप के घर से लाई थी, हमारी ही तो है, बैठिए ले जाओ। तो अब आप उसको सारी उम्र तक आप उसको ऐसी तरीके से टॉर्चर करोगे तो महिला तो हर्ट होगी ना जी जी। तो ये भी हो जाता है समटाइम्स जी। सुनीता जी, अगर कोई लड़के वाले या ससुराल वाले या लड़की के घर वालों पर दहेज मांगते हैं या उन्हें धमकाते हैं, फिर लड़की वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको दहेज की डिमांड
डिमांड आती है, लड़कियों को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि वो जो दहेज की डिमांड है वो सीधे सीधे नहीं आती है कि हमें इतना दहेज दो। वो इमोशनली लड़की को मोटिवेट किया जाता है, इमोशनली लड़की को अलग अलग ढंग से बहलाया जाता है कि वो अपनी सहायता लाने के लिए मतलब आगे बढ़े। जी, जी जी, बहुत सारा इमोशनल स्टोरीज उसके सामने रखी जाएंगी कि अगर तुम इतनी मदद हमारे माँ बाप से करवा दोगे तो मेरी दुकान अच्छी चल जाएगी, ऐसे कर दोगे तो मैं गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ, अगर मेरे पास 40,000 हैं तो मैं 1,00,000 यदि वहाँ से ले आओ तो हम धीरे धीरे करके जब कभी होंगे तब देख लेंगे। वो अलग अलग ढंग के बहुत सारे पैंतरे आजमाए जाते हैं कि लड़की के घर से पैसा आए कैसे और लड़की लेकर कैसे आए। जी जी, तो लड़की को हर चीज पे चौकन्ना होना है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि शुरुआत में जब लड़की की शादी होती है वो अपने ससुराल जाती है, घर में जाती है, तो बहुत ज्यादा इमोशनली उनके साथ लड़के के साथ बड़ी कनेक्ट होती है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो इतना ज्यादा वो समर्पण की स्थिति में होती है कि उनको उसकी जो चालाकियां हैं उस तरीके का जो चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही होती, उनको बहुत देर में समझ में आता है। जब आपके पास इस तरीके की डिमांड्स आने लग जाएं कि तुम ये सहायता मेरी वहां से करवा दो, तुम ये इतना हमारे वहां से करवा दो फिर हम देख लेंगे, तो लड़की को तो उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए और लड़की के माँ बाप को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर लड़की आपके साथ कोई ऐसी मांग कर रही है कि पापा आप मेरा इतना इतना ये कर दो, तो मेरे हस्बैंड का ये कर दो, ठीक है, तो पेरेंट्स को भी वहां पर चेतावनी जो है जारी कर देनी चाहिए, उसे फोर्सफुली ये चीज कराई जाए, कही जा रही है ना। और लड़की को भी अगर वो फोर्सिबली कहा, आप हम अपनी बेटी की हम अपने बच्चे की बात की टोन से समझ जाते हैं कि बच्चा किस दबाव में हमसे बात कर रहा है, खुल के बात कर रहा है, अपनी इच्छा से बात कर रहा है, काफी चीजें हमें समझ में भी आती हैं। तो बहुत ज्यादा चौकसी की जरूरत होती है कि हम वो समझें कि किस तरीके से मांगा जा रहा है, डायरेक्ट भी मांगा जाएगा, रिश्तेदारों के थ्रू भी मांगा जाएगा, और दहेज लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आजकल हम रीति रिवाजों के नाम पर भी बहुत लेते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, इतने आपको कपड़े तो हमें देने ही हैं, इसको अंगूठियां भी देनी है, उसको इतना गिफ्ट देना है, गोल्ड के बिना तो हम करते नहीं, हमारा तो रिवाज है कि सर से पैर तक लड़की गोल्ड में होनी चाहिए जब वो फेरे हो, ये भी मैंने देख लिया। तो वो सारी रीति रिवाज के नाम पर हम कितना ज्यादा किसी का टॉर्चर कर लेते हैं, हम कितना ज्यादा अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं, कितना ज्यादा हम उसका हनन कर लेते हैं, कितना ज्यादा हम अपनी डिमांड रख लेते हैं। तो जो हमने रीति रिवाजों के नाम पर आवरण ओढ़ करके जो हम चीजें मांगते हैं ना, वो दैट कैन बी अवॉइडेड, वो सब हटा सकते हैं हम, हमें जरूरत ही नहीं। हम अपने अपने घरों में सक्षम है तो क्या हम एक साड़ी से एक अंगूठी से हम लोग सब कुछ हो रहे हैं, है ना, लेकिन उनके ऊपर तो कितना बर्डन हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी रूप में मांगना, है ना, किसी भी तरीके से मांगना, किसी भी कारण से मांगना, आप स्वेच्छा से अगर कोई इंसान दे रहा है आपको, है ना, वो उसकी स्वेच्छा है ना, इच्छा है उसकी। जी, जी, जी। अगर आप उसको अपनी डिमांड्स बताएंगे किसी भी रूप में बताएंगे वो गलत ही। जहाँ तक हमारे कानून की बात है, कानून सबकी पहुँच में है और कानून सबके लिए फ्री भी है। किसी भी अपनी कंप्लेंट आप पुलिस में दर्ज कर सकती हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे पुलिस में अपने वुमेन सेल्स होते हैं, आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, वुमेन कमीशन के अपने सेल्स होते हैं वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकती हैं महिलाएं। बहुत सारी आपके आसपास में कोई स्थानीय एनजीओ या कोई आपको एक्टिविस्ट नज़र आता है, आप उससे अपनी बात को शेयर कर सकती हैं। आप अपनी बात को इतना मत अंदर रखें या इतना ना दबाएं कि कल को आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े और आप हर दिन नई से नई मतलब टॉर्चर वाली स्थिति में भी ना रहे। तो सरकार ने लड़कियों के लिए फ्री जो है लीगल एड प्रोवाइड की हुई है, आपको वकील आपको फ्री मिलेगा, आपको गाइडेंस सब फ्री मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डाउरी का जो है तो एक सेल होता है निदेशक ना, कि डाउरी को हम रोकने के लिए सेल बना होता है, वो भी इंटरवीन कर सकते हैं, वो भी आपके बीच में आ सकते हैं, वो भी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो चारों तरफ जो है आपकी सहायता अवेलेबल है, लेकिन पहल तो आपको करनी होगी ना बता करके, तो आप बताएंगी तो आपकी सुनवाई भी होगी। जी, तो दोस्तों सुनीता जी ने आप सभी को बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया, ना ही दहेज लें और ना ही दहेज दें और ऐसी प्रथा को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। तो दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर।